हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार फिर से शाम की फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ मैं आपके साथ हूं। और जैसा कि मैंने सुबह में बताया था कि मार्केट के हालात ठीक नहीं है, मार्केट के पंडितों का अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन मार्केट पूरी तरह से लाल हुई पड़ी है। ज़्यादातर शेयर, मैं ये नहीं कह रहा 100%, बहुत से शेयर इस कह सकते हैं कि इस तन्हाई में भी वो कुछ अच्छी आवाज़ें और बातें कर रहे हैं, तो तन्हाई के आलम में भी कुछ ग्रीन है जो कि ग्रीन वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे रेड हुए पड़े हैं। और मार्केट अभी इसी तरह से रहेगा, और अभी लगता है कि जब तक कोरोना वायरस का इम्पैक्ट कम नहीं होता, मार्केट में आप बहुत कुछ गुंजाइश नहीं लग रही है, क्योंकि केवल इंडियन मार्केट ही नहीं है, ग्लोबली ये मार्केट पूरी तरह से हिली हुई है। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स 674 पॉइंट टूटा और निफ्टी 170 पॉइंट टूटा, और निफ्टी 8883 पे बंद हुआ। लगभग आप कह सकते हैं कि 8000 के बॉटम पे ही हैं, और अब मंडे को देखना होगा कि क्या होता है, निफ्टी क्या रंग लाता है। फिलहाल इतना ही, और अब बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल न्यूज़ के। इधर सिनेमा, रिटेल और जो रेस्टोरेंट ऑनर हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से कहा है कि मई तक के लिए उनके रेंटल को वेवर देना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि एक मेरे हिसाब से भी एक जेन्युइन अपील है, लेकिन इसका अलग एक ये भी है कि जो ऑनर हैं उनके उनके साथ क्या है, नहीं क्या रिक्वायरमेंट है। हो सकता है बहुतों की रिक्वायरमेंट उसी रेंट के थ्रू चल रही हो, तो ये कहना मुश्किल है कि गवर्नमेंट किस तरह से बिहेव करेगी, बट एक उनकी भी अपनी मांग है। इधर इंश्योरेंस जो कंपनी है, उन्होंने कहा कि हेल्थ और मोटर में अगर आपकी एक्सपायरी हो रही है डेट की, तो आप टेंशन ना ले, आपके इंश्योरेंस के टर्म को 21 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आप परेशान ना हो, 21 अप्रैल तक वो वैलिड है, इवन वो एक्सपायर कर चुका हो तब भी आपको कहीं घबराने और कहीं भागने की जरूरत नहीं। लॉकडाउन में घर पे रहें, सेफ रहें, अच्छे से रहें। इधर भारत की भी कंपनियां लग गई हैं वैक्सीन ढूंढने में, तो भारत की जो भारत बायोटेक है वो भी दुनिया के साथ मिलकर वैक्सीन ढूंढने, कोरोना के वैक्सीन के लिए काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि किस तरह से इसके वैक्सीन को ढूंढा जा सके और ताकि इस वायरस को मारा भी जा सके। अगर आप देखें तो आज जो नंबर ऑफ कोरोना वायरस के संक्रमित लोग हैं दुनिया में 1 मिलियन क्रॉस कर गए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ये साधारण नंबर नहीं है, और 50,000 प्लस लोगों की अलग अलग तरह की डेथ की रिपोर्ट भी आ रही है। तो भगवान ना करे कि ये नंबर और बढ़े, तब तक दुनिया कुछ ना कुछ इसको ढूंढ ले। इधर अमेज़ॉन पेंट्री ने भी कहा है कि उन्होंने अपना ऑपरेशन रिज्यूम कर दिया है, स्पेशली उन्होंने बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद के लिए बात कही है। वहाँ पे उनकी डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है, हो सकता है थोड़ी बहुत डिलीवरी में परेशानी रहे क्योंकि लॉकडाउन का असर वहाँ भी होगा, तो हर कहीं ना कहीं ये डिलीवरी में परेशानी तो चलती रहेगी। इधर RBI ने कहा है कि मनी मार्केट की जो टाइमिंग है उसे भी कम करने की ज़रूरत है, और उन्होंने ये टाइमिंग 10 बजे से 2 बजे तक का कर दिया मनी मार्केट के लिए। तो एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट के हालात ठीक नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है, मार्केट टूटे जा रहा है, तो एक अच्छा मूव भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं EMI पे जो रोक लगी है, इस पर हम एक अपना अलग से वीडियो लेके आएंगे, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि EMI जो रोक लगी है वो क्या है, वो बेनिफिट या नुकसान है। देखिए, अगर लेमन की तरह से बात करते हैं तो EMI पे जो रोक लगी है उसका नुकसान तो आपके पॉकेट पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। अगर आपके पास बफर और आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो EMI आप टाइमली दें, उसको आप डिले ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस 3 महीने के पीरियड में EMI कैलकुलेट नहीं होगा, सारे कैलकुलेट होंगे और टोटल कॉर्पस में जाके ऐड हो जाएगा। हम इसकी बात अपने अगले वीडियो में करेंगे जिसमें हम केवल EMI के कैलकुलेशन पे बात करें और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक आस्पेक्ट ये भी है कि हो सकता है आपके पास लिमिटेड मनी हो, आप 3 महीने का आपके पास बफर ही ना हो, तब उस केस में आपके लिए ये जो रोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन इसकी कॉस्टिंग आपके सर पे है, कहीं ना कहीं उसकी कॉस्टिंग आपको ही देना है। मेरे भी EMI रुकी हुई है, बैंक ऑफ बड़ौदा का मैं कस्टमर हूँ, और क्योंकि मेरे पास भी अपना जो एक लिमिटेड रिसोर्स है वो चीज़ें हैं, तो हमने इस ऑप्शन को अवेल किया है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये प्रॉब्लम कितने दिन सस्टेन करेगी, भगवान ना करे ये लंबा चलता है फिर क्या होगा। तो मेरे अकाउंट में जो बफर है, जो सिस्टम मैंने बना रखा है, तो उसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा पैसा रखा ताकि कि कंटिजेंसी के केस में हम उसको यूज़ कर सकें, लेकिन वो कंटिजेंसी भी एक प्लान के हिसाब से होता है।
तो उस केस में आप अपनी कंटिजेंसी प्लान अगर आपने कुछ बना रखी है तो उसको आप देखिए, अगर नहीं बना के रखी है तो ये आप सोचिए कि कैसे क्या करना। हम अलग वीडियो में उसमें बात करेंगे कि अगर आप ऑप्शन अवेल करते हैं नहीं करते हैं, तो उस पर पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। साथ के साथ हम OTT पे भी अवेलेबल हैं, गूगल प्ले स्टोर पे भी जाके आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे 100 से ज़्यादा वीडियोस, 200 से ज़्यादा इनफैक्ट वीडियोस अवेलेबल हैं जो डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड हैं और डिफरेंट प्रोफेशनल के थ्रू बनाए गए हैं और सारे एक वेरीफाइड क्वालिटी कंटेंट हैं। तो आप घर पे रह के उस सब वीडियो का भी लाभ ले सकते हैं और अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, मंडे को फिर मिलेंगे। थैंक यू।